हमारे साथ है जतिन अग्रवाल, जिनका इस बार 678 स्कोर आया है, जो बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल सीट के लिए बहुत ही अच्छा स्कोर है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जतिन ने इस बार ऑनलाइन स्टडी करके इतना अच्छा स्कोर लेकर आए हैं। तो जतिन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं मैम, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 533 नंबर आए थे विद ऑल इंडिया रैंक अराउंड 32,000। बट इस बार मेरे सेकंड अटेम्प्ट में 678 मार्क्स आए विद ऑल इंडिया रैंक 738। तो आपने एक साल ड्रॉप लिया है? हाँ जी हाँ जी। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया कि मुझे ड्रॉप लेना है? नहीं, कोई इशू नहीं था पेरेंट्स को मनाने का। पेरेंट्स ने कहा जैसे जो सही लगता है वो करो। सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने यही कहा था कि जैसे सही लगता है कि ड्रॉप लेना चाहते हैं ड्रॉप ले लो, बाकी मेरा डिसीजन था कि हाँ जैसे सही लगे। तो जतिन, हम सब जानना चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन स्टडी का क्या स्ट्रेटजी था जिसने हेल्प किया आपको इतना अच्छा स्कोर करने के लिए? स्ट्रेटजी एज सच नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पे ऑफलाइन मटेरियल था, रेफरेंसेस बुक सारे थे, अप्रोच पता थी कि कैसे होने चाहिए। लेकिन हाँ, जो भी टॉपिक्स में डाउट्स थे, मतलब कोई भी चैप्टर से मेन कॉन्सेप्ट्स डाउट्स में थे रिलेटेड या टॉपिक्स हो गए, वो मैंने सारे यूट्यूब पे जितने भी सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हो गए बस वहाँ से सारे क्लियर आउट करे। ओके, तो आपने कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया अपने स्टडी के दौरान? बायोलॉजी के लिए मैंने बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया था, डॉक्टर जितेंद्र सर का, वन ऑफ द बेस्ट बायोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर नीट, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि आपको एनसीईआरटी बियॉन्ड एनसीईआरटी भी लेके जाया जाता है, तो बायोलॉजी के लिए बायोमेट्रिक्स सही था। फिजिक्स के लिए मैंने दो चैनल्स को अप्रोच किया था, एक अनअकैडमी नीट जहाँ पे महेंद्र सर पढ़ाते थे, और एक फिजिक्स वाला जहाँ पे अलक पांडे सर पढ़ाते हैं। okay, सबके फेवरेट। हाँ बिल्कुल। टैप ऑनलाइन की मैंने टेस्ट सीरीज और मोस्ट वांटेड सीरीज ली थी जो लास्ट में, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल करी। तो अलक पांडे सबके फेवरेट, इंद्र सर और टैप ऑनलाइन का मोस्ट वांटेड सीरीज कॉम्बो। तो जतिन, एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइन जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है ऑनलाइन स्टडी करते समय, तो आप कैसे उन डिस्ट्रैक्शन को टैकल करते थे? डिस्ट्रैक्शन तो होता है क्योंकि आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे आपको नीचे वीडियोस के नीचे रिकमेंडेशंस दिखती है, तो हाँ, लेकिन आपको एक एक खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि जो वीडियो देख रहे हो स्टडी रिलेटेड उसी पे फोकस रहे। तो मैं नोटिफिकेशंस म्यूट कर देता था कि कोई और नोटिफिकेशंस ना मिले मेरे को, और ज़्यादातर मैं मतलब वीडियोस को पूरा नहीं देखता था कि एक तरह से बोरिंग टाइप हो जाता था, तो वीडियोस को हाफ ऑफ करके मतलब स्पीड 2x की स्पीड पर आराम से देख लेता था, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कोई दिक्कत नहीं है। तो आप YouTube पे ऑनलाइन क्लासेस देखते थे या रिकॉर्डेड वीडियो आपको पसंद? मेरे को रिकॉर्डेड वीडियो पसंद है ज्यादा, क्योंकि लाइव क्लासेस में वो स्लो चलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये वो टीचर इंटरेक्शन करने में लग जाता है टाइम उन्हें, तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो ज्यादा बेटर रहती थी, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देखता था। तो जितिन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीट एग्जाम के 2 महीने पहले आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज किया, कैसे प्रिपेयर किया आपने? लास्ट 2 महीथ में मैंने एक प्लेटफॉर्म से हाई यील्डिंग टेस्ट सीरीज प्लस क्वेश्चन बैंक परचेज किया था, और रैप ऑनलाइन से मैंने मोस्ट वांटेड सीरीज ली थी, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए, क्योंकि मोस्ट वांटेड सीरीज पे जैसे वीडियो लेक्चर्स बनाए गए थे और जो बुक्स थी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया थी। मतलब कौन सी बुक आपको सबसे अच्छी लगी? मेरे को बायोलॉजी की बढ़िया लगी, क्योंकि बायोलॉजी में जो चैप्टर्स के जो एक कंसेप्ट लाया गया कि एनसीईआरटी की लाइन को फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिखाया गया कि आपको अगर एनसीईआरटी की लाइन आपको लर्न है तो वो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाने चाहिए, तो जो वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला कंसेप्ट था वो ज़्यादा बेटर लगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस थे वो भी ज्यादा अच्छे लगे। अच्छा, ऑनलाइन स्टडी और अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करते थे आप? मतलब ज्यादातर तो सेल्फ स्टडी ही करता था, लेकिन ऑनलाइन स्टडी मतलब ऑनलाइन तभी जाता था, मतलब कि कुछ अगर किसी टॉपिक में किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट्स होते थे अगर वो क्लियर करने होते थे, लेकिन ज्यादातर मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस था। मतलब वीडियो आप तभी यूज करते थे जब आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तभी, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी बुक्स वगैरह रीड करते थे प्रैक्टिस। और जतिन, मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को अपने एग्जामिनेशन हॉल के कुछ एक्सपीरियंस बताइए। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं जिसकी वजह से भी मार्क्स स्कोर कम आता है। हाँ बिल्कुल, कि एग्जामिनेशन हॉल में एक अलग से प्रेशर होता है, वहाँ पे टेंस माहौल होता है पूरा,
तो हाँ वहाँ पे एक पूरा काम होना पड़ता है, क्योंकि लास्ट ईयर में मेरे साथ यही हुआ था कि मैं पेपर अटेम्प्ट तो कर लिया था लेकिन OMR फिलिंग में गलती हो गई थी मेरी, तो जहाँ पे वहाँ वो पाँच तो दिक्कत वहाँ आ गई थी। बाकी अगर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि बायोलॉजी के केस में क्या होता है कि हम दो तीन क्वेश्चन की स्टार्टिंग के दो तीन वर्ड पढ़ते ही लगता है कि हाँ ये आंसर हो गया, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है और चार ऑप्शन देखने पड़ते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन आंसर ना। तो मतलब एग्जाम्स में मेन तो ये होता है कि क्वेश्चन रीडिंग बहुत अच्छे से करें और दूसरा कि OMR को बहुत अच्छे से मतलब सीरियस केयरफुली भरें उससे अच्छे से। आपका एग्जाम कितने घंटे में कंप्लीट हो गया था? मैंने मतलब 2 घंटे से कम में सारा अटेम्प्ट कर लिया था और बाकी टाइम मैंने OMR में दिया था। ओके नाइस। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन है, उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ताकि उनको डिस्ट्रेक्शन ना हो, या फिर जो भी आपने फेस किया है उसको आप सजेस्ट करना चाहोगे? सजेशंस तो यही है कि मतलब सेल्फ स्टडी पे फोकस रखें ज़्यादा, क्योंकि सेल्फ स्टडी आखिर में यही मैटर करती है। और अगर कोई दिक्कत है तो ये आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके जो आपको बेटर लगता है, जिसका जो उनसे टीचर को आपको ज़्यादा समझ में आता हो उससे अपने वो डाउट्स क्लियर करें, जितने भी कंसेप्ट क्लियरिटी है वो क्लियर करें मेन तो, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें क्योंकि वही आगे मैटर वही करेगी। और बाकी अगर आज वैसे कोविड के टाइम में ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा प्रेफर हो रही हैं तो मतलब यूँ नहीं है कि यूट्यूब पे ये भी चैनल देख लिया वो भी, मतलब कुछ आप जो पहले देख लीजिए कि कुछ सिलेक्ट कर लीजिए कि हाँ उसके बाद फिर कोई तीसरा दूसरा चैनल नहीं देखना आपको तो, लेकिन हाँ वो है कि स्टार्टिंग में आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे कुछ यूट्यूब चैनल्स की, हाँ सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स पर जाके मैं अपने वीडियो लेक्चर सब क्लियर कर। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन स्टडी करते समय कि अगर डाउट अगर आपको आता है आपके किसी सब्जेक्ट में, वो आप कैसे सॉल्व करते थे? सबसे पहले तो ये खुद ही ट्राई करता था कि अगर उसको फिर से देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सके, अगर नहीं होता था तो या फिर मतलब जो वैसे मैं टीचर से पूछ लेता था, वरना अपने फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स में डिस्कशन होती थी तो उनसे पूछ लेता था। आपके फ्रेंड्स भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे या किसी कोचिंग में पढ़ते थे? नहीं, लगभग कोचिंग में थे और कुछ ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे थे तो, लेकिन हाँ उनसे डिस्कशन होती रहती थी और ज़्यादातर मतलब मैं ऑनलाइन मतलब कुछ ऐप्स आते हैं मतलब मोबाइल में तो वो यूज़ कर लेता था। अच्छा, उससे डाउट सॉल्व हो जाते थे? हाँ लगभग सारे डाउट्स हो जाते थे, बाकी अगर नहीं होते थे तो वो फ्रेंड हाँ तो मतलब पूछ लेते थे कहीं ना कहीं। तो थैंक यू जतिन, वेलकम।